तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एमटीबी राइडर यश। वेल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो मेरे सारे भाई बढ़िया होंगे और बढ़िया होनी चाहिए। तो मेरे तरफ से भी को जय श्री राम और करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। सो बेसिकली गाइस, आज किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है वो आप टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए होंगे। इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं गाइस हाउ टू डू इस टॉपिक। तो हां गाइस, किस तरीके से इस टॉपिक को परफॉर्म किया जाता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और इजी स्टेप्स में बताऊंगा। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना जरूर से। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टॉपी के ना काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइक नॉर्मल स्टॉपी जो कि बेसिक होता है, देन आपका आता है रोलिंग स्टॉपी, देन स्टॉपी 180 और स्टॉपी एंडो, जो भी कुछ है, मतलब अब बहुत सारे कैटेगरीज में स्टॉपी होती है। सो आज का ये वाला जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक स्टॉपी बताने वाला हूँ। रोलिंग स्टॉपी के लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा, तो उसके लिए वेट करना गाइस, जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगा। सो मेक श्योर यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बाकी लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है कि हम कौन सा साइकिल यूज़ करें गाइस स्टंट्स के लिए या कैसा। तो गाइस, आप किसी भी साइकिल पर स्टंट्स कर सकते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपका स्किल्स मैटर करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी के, लेट्स गो। तो गाइस, फिलहाल को देख सकते हो यहाँ पर से अपनी फायरफॉक्स वाइपर लगी हुई है। तो कुछ टिप्स मैं पहले आपको बता देता हूँ गाइस, लाइक इस टॉपिक को परफॉर्म करने से पहले। सबसे पहले आपको ना गाइस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, लाइक सीट हाइट है वो डाउन होना चाहिए, जितना डाउन होगा उतना ही ज़्यादा आपका इस टॉपिक का हाइट आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया गाइस अपना। देन अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये होता है गाइस कि ब्रेक्स कौन सा यूज़ किया जाए। काफ़ी लोगों को डाउट्स होता है कि हम कौन सा ब्रेक यूज़ करें स्टॉपी परफॉर्म करने के लिए। तो मैं बता दूं गाइस, आप किसी भी ब्रेक पर स्टॉपी परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो वी ब्रेक्स हो, चाहे वो यू ब्रेक्स हो, चाहे वो हाइड्रोलिक डिस्क हो, चाहे मैकेनिकल डिस्क हो, यू कैन परफॉर्म स्टॉपी ऑन एनी ब्रेक्स। तो ब्रेक्स मैटर नहीं करता है, नहीं भी होगा ब्रेक्स तो भी चल जाएगा, अगर आप अच्छे से लाइक जो टेक्निक है वो अप्लाई करोगे तो ईजिली आप स्टॉपी को परफॉर्म कर सकते हो। तो मेरा साइकिल का बात करूँ तो यहाँ पर था गाइस हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगा हुआ है, तो मुझे उतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो देख सकते हो, तो अभी मैं आपको हाइड्रोलिक पे बताऊँगा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई अभी साइकिल है नहीं करंट यहाँ पर। और इसी टेक्निक को अप्लाई करके आप अदर ब्रेक्स पर भी कर सकते हो, लाइक वो पावर ब्रेक्स हो, यू ब्रेक्स हो, जो अदर जो भी ब्रेक्स हो, यू कैन परफॉर्म। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस टॉपिक को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है इजी वे में, बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना बिना स्किप किए हुए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला आपको जो स्टेप याद रखना है, तो सबसे पहले तो गाइस सेफ्टी में बता देता हूँ। तो आपको ना हेलमेट, शूज़ और ग्लव्स वियर कर ही लेना है गाइस। अगर आप नहीं करते हो हेलमेट वियर, अगर आप फ्रंट में फ्लिप कर जाते हो तो आपको हेड इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो मेक श्योर गाइस आप हेलमेट को वियर कर लो। और अगर हम इस टॉपिक को परफॉर्म करने की बात करें तो इस टॉपिक गाइस काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपको थोड़ा सा रन प्ले करके आना है, अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखते हुए ब्रेक्स को अप्लाई करना है, और जो अपना फुट होता है, फुट का जो एंगल होता है ना, उससे आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रेशर देना है आपकी बाइसिकल पे, ताकि वो पीछे से पॉप हो जाए इजीली। तो मेरे बोलने शायद आपको नहीं समझ आएगा, अभी मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। तो वीडियो का फुटेज को ध्यान से देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स गो, फुटेज चेक करो आप जाके। तो गाइस, आपको ना स्लोली रन अप ले करके आना है और अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखते हुए फ्रंट वाली ब्रेक को अप्लाई करना है, और जो अपना पैडल का एंगल है उससे भी आपको थोड़ा सा पॉपअप लेना है, और अपने जो हिप होते हैं हिप की मदद से आपको ना स्टॉपी के हाइट को एक जगह पर रोक देना है, वरना आप फ्रंट की तरफ पर फ्लिप कर जाओगे। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने फुटेज में देखा, आपको थोड़ा सा स्लो रन अप लेकर के आना है और जो अपने हैंड्स है उनको स्ट्रेट रखते हुए फ्रंट वाली ब्रेक्स को अप्लाई करना है, और साथ के साथ जो अपना पैडल एंगल है उससे आपको थोड़ा सा ट्राई करना है कि पीछे का व्हील आप पॉप कर लो, और उसकी वजह से आपको क्या होगा, जो ब्रेक है उस पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा, और अगर आपका कोई लोकल सा ब्रेक भी होगा तो उस पर भी आप इजीली स्टॉपी कर सकते हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे हाइड्रोलिक हो, चाहे अदर कोई ब्रेक्स हो, पावर ब्रेक्स, यू ब्रेक्स, जो भी आप यूज़ करते हो। तो दैट्स हाउ यू कैन डू स्टॉपी ऑन एनी बाइसिकल गाइस, आप इसी तरीके से किसी बाइसिकल पर कर सकते हो। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा, कुछ इन्हीं तीन चार स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको इस टॉपिक को परफॉर्म करना है, और एक दिन में आप इस टॉपिक को इजीली सीख सकते हो गाइस। काफ़ी ज़्यादा और मतलब बेसिक दिखने अच्छा दिखने वाला ये स्टंट है, सो बहुत इजी है गाइस, आप कोई भी सीख सकता है इसे किसी भी साइकिल पर, और कुछ ही स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और सेफ्टी का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। बाकी इस वाले वीडियो के लिए इतना है, इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर से एंड करता हूँ। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, और अभी बैक टू बैक गाइस ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल पर बने रहें। बाय बाय, मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ।